Hey friends, welcome to our new vlog. आज है छोटी होली। छोटी होली के लिए कुहू हो चुकी है तैयार अपना शरारा पहन के। आज इसने पहना है इंडियन एथनिक, पहना है एथनिक। और जैसा कि आप मुझे देख रहे हो, मैं हूँ किचन में, मैं गूंद रही हूँ आटा पूड़ियों के लिए। और ये मैंने पूड़े की तैयारी कर ली है, तो बस अभी पूजा की तैयारी चल रही है। फिर उसके बाद ये सारी प्रिपरेशन करके मैं खुद तैयार होंगी। मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। कैसी साड़ी पहनने वाली हूँ, पूजा कैसे करने वाली हूँ और छोटी होली हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, अगर आपको ये जानना है ना, तो उसके लिए देखते रहो हमारा पूरा व्लॉग। और ये पूड़े बन रहे हैं। उनको ना वैसे पूड़े अच्छे लगते हैं, मैं सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं पूड़ी बनाऊंगी, आलू की सब्जी बनाऊंगी। पूड़े बनाने के बाद खाने पूजे इन सब की तैयारी करने के बाद मैंने पहनी है साड़ी, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। कुहू कह रही थी कि मम्मा ऑरेंज कलर की साड़ी पहन लो, बट मैंने ना ये साड़ी पहनने का सोचा था, ऑरेंज नहीं सोचा था। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी अलग भी पहन लेना चाहिए। लो कुहू आ जाओ, अब ये माला पकड़ के जाएगी कुहू। हमेशा ना 4-5 सालों से कुहू इसको पकड़ के लेकर जाती है। और ये देखो, ये कर लिया मैंने पूजा की पूरी तैयारी। कच्चा दूध, पूड़ी, बताशे, पूड़े, माला, ये बाल, ये सूत, मतलब सब कुछ तैयारी हो गई है। अब हम जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, माला बोलते हैं कंडो की। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और ये चल रही है होली की पूजा। जितना पता है उतने विधि विधान से हम कर लेते हैं। पूजा करते हुए तो इतनी ज्यादा हवा चल रही थी, तेज कुहू तो 2 मिनट में ही नाटक करने लग गई। मेरी आंखों में मिट्टी जा रही है, मम्मा कितनी देर में घर जाएंगे, कितनी देर में घर जाएंगे। लेकिन इसने 10 मिनट पूजा करना ना मुश्किल कर दिया, पीछे पड़ गई। और अब देखो अब क्या खा रही है, ये आलू पूड़ी। हमारे यहाँ होली का दहन होता है, कुहू जा रही है वो देखने के लिए। होली का दहन तो होगा रात को 10:30 बजे, बट अभी वहाँ पे लगी है कुछ स्टॉल्स, तो कुहू कुछ खाने पीने जा रही है। इसका तो बस घुमाते रहो। सही बोले। इस बार होली पे ना हमारे यहाँ जिस तरफ होली लगाई है ना, उसके आसपास बड़ी लाइटिंग वाइटिंग की है, बड़ी डेकोरेशन वेकोरेशन से की है, मतलब अच्छे से सजाया। अदरवाइज तो क्या होता कि हर बार मतलब बस ऐसे ही कर देते थे, और इस बार तो बहुत अच्छे से किया है इन्होंने। कुछ लोगों के यहाँ ना होली पे रात को पूजा भी होती है, हम तो सुबह ही कर लेते हैं, मतलब 12:30-1 बजे तक। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ना रात में पूजा कर करके जा रहे हैं। उधर की तरफ ये स्टॉल्स लगी हुई हैं सारी खाने पीने की। कुहू को तो यहाँ भी बच्चे मिल रहे हैं खेलने के लिए, उनके साथ खेल रही है भाग भाग के इधर से उधर से, बस कोई मिल जाए। बच्चे यहाँ पे झांकियाँ दिखा रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि होली क्यों मनाई जाती है। कुहू ने थोड़ा सा तो आगे जाके देखा, लेकिन फिर वापस आ गई और वो बस ये बोल रही कि मुझे तो पार्क जाना है, मुझे बच्चों के साथ खेलना है, मुझे वहाँ लेकर चल लो, उसको नहीं जाना, मतलब उसको वहाँ जाना है, उसको यहाँ पे नहीं रहना है, वहाँ जाके देखना। कह रही जब होली का दहन होगा तब आ जाएंगे, अभी चलते हैं यहाँ से। कुहू के पापा ने जो कुहू के लिए होली के कलर्स और ये सब मंगाया, वो कुहू आपको दिखाना चाहती थी। अभी पता है होली का दहन नहीं हुआ तो हम घर वापस आ गए। कुहू ने बोला चलो चल के ना इतने फ्रेंड्स को कलर्स दिखा देते हैं, तो एक बार आप देख लो कि कुहू को क्या क्या मिला है होली पे। जो ब्लैंकेट से ऑर्डर किया गया है दिखाओ। तो सबसे पहले रुको, ये दो पिंक कलर के कलर स्नो स्प्रे हैं, ये देखो। किसके ऊपर मारोगी इन स्नो स्प्रे को? आपके ऊपर, पापा के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर। मेरे ऊपर तो बिल्कुल मत मारना। अच्छा। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल नहीं मारना, मुझे नींद आ रही है पता है। ये रेड गुलाल, रेड गुलाल है ये, कहाँ लिखा रेड है? अंदर है ना रेड। अच्छा, इको फ्रेंडली है। ये है पिंक, रेड पिंक, ग्रीन। इतने सारे कलर्स क्यों मंगाए द्वारे बाबा ने, क्या करेंगे इतने सारे कलर्स का? वाटर बलून। पिछली बार ना हमने वैसे मंगाए थे जैसे
वो डंडी उनसे अटैच हो रही है ना, वैसे मंगाए थे। वो नल से भर नहीं रहा था, तो अब इस बार पापा ने ऐसे मंगाया कि उनको सीधा नल से ऐसे करो, फिर उसको निकालो, बांधो, डाल दो। अच्छा, तो यही सब सामान है आपका जिसे दिखाने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सुनो, मैं अपनी पिचकारी भी दिखा दूं। कौन सी पिचकारी? पिचकारी तो तुमने दिखा दी थी ना। ठीक है, तो तुमने लास्ट व्लॉग में दिखाई दी थी। चलो दिखा दी तुमने अपने कलर सब। अब बस होली का दहन होने वाला है, 11 बजने वाले हैं। यहाँ ना बहुत लेट कर दिया, अब चलते हैं देखने के लिए। गूगल पे भी यही लिखा था कि 11 से 12 होगा। ओके, तो चलो चलते हैं। होली का दहन हो ही गया, बहुत लेट हुआ हमारे यहाँ तो, ऐसा लगा था सबसे लेट हुआ। हमारे पीछे की तरफ भी ना एक मंदिर है, उस मंदिर में से भी मतलब दिख रहा था कि वहाँ पे होली का दहन हुआ है, और अब यहाँ पे बस अब घर जाएंगे। होली का दहन देखने के बाद हमारे घर वापस, और घर वापस आते आते हमें हो गए 12:05 बज गए। अगला दिन ही शुरू हो गया है, अब तो होली का दिन ही आ गया। बहुत ज़्यादा थकान हो गई, पूरी बॉडी ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं किसी ने पिटाई कर दी हो। आज के लिए बाय बाय, हमारे ब्लॉग्स देखते रहना, और आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर। बाय बाय।